नमस्कार विद्यार्थियों मित्रों, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो पार्ट 3 का है, मतलब यहाँ पर तीसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बेसिक इंग्लिश चल रहा था हमारा, मैंने आप लोगों के प्रॉमिस के अकॉर्डिंग आज तीसरा वीडियो लाया हूँ, जिसमें मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको सिखाया था कि फोनिक साउंड को किस तरह की सब प्रैक्टिस करने हैं और कैसे उसे बोलना है। फिर उसके बाद मैंने आपको सिखाया था कॉन्सोनेंट और वोवल्स, मतलब कि व्यंजन और स्वर। इसके बारे में मैंने डिटेल्स में बताया था कि व्यंजन क्या होता है और कॉन्सोनेंट क्या होता है। वो चीज़ मैंने पार्ट 2 के वीडियो में सिखाया था। और जिन लोगों ने बेटा वो वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट पहले उस वीडियो को देख लेना अच्छे से, ठीक है। तो पार्ट 2 के वीडियो में मैंने स्वर, वोवल्स, मतलब कि कॉन्सोनेंट, व्यंजन, उसकी डेफिनेशंस, वोवल्स क्या होता है, वोवल्स की साउंड क्या होती है, और 26 अक्षर के जो लेटर होते हैं वो लेटर कैसा होता है, वो सब चीज़ मैंने पार्ट 2 के वीडियो में बहुत ही डिटेल से समझाया था। और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 2 की वीडियो देखो, फिर उसके बाद हम आज के टॉपिक में सीखने वाले हैं इंग्लिश हिंदी वर्णमाला। आज हम इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं कि हिंदी का जो वर्णमाला होता है उसे हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, उसे हम इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं, वो सारा चीज़ आज हम पार्ट 3 के वीडियो में सीखने वाले हैं। चलिए विद्यार्थी मित्रों, आज हम आपके लिए तीसरा वीडियो लाए हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा हिंदी का वर्णमाला, मतलब जो चीज़ इंग्लिश में लिखा होता है उसे हिंदी के वर्णमाला में हम कैसे उसे पढ़ेंगे, कैसे प्रेजेंटेशन करना है, हर एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हिंदी के वर्णमाला में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बड़ा जो मात्राएं होती हैं ना उन्हें हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे और उनकी मात्राएं कैसी होती हैं, वो सब चीज़ें हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश पढ़ने के लिए हमें वर्णमाला भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए आज हम मात्राएं पढ़ेंगे और वर्णमाला पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम मात्राएं को पढ़ते हैं। तो देखो ये देखो मात्राएं पार्ट 3 की वीडियो में, तो देखो पहला हमने यहाँ पर जिसके लिखा है बड़ा आ और बड़ा आ, तो इसके लिए जो स्पेलिंग लिखा जाता है वो लिखा जाता है ए और डबल ए, और आ का मात्रा कैसा होता है बड़ा ऐसा होता है। और छोटी छोटी का इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं आई, और इसका मात्रा ऐसा होता है। बड़ी ई, बड़ी ई के मात्रा में हम क्या लिखते हैं, कभी कभी हम डबल ई लगा कर डबल ई का प्रयोग करते हैं और कभी कभी आई का प्रयोग। ये सब चीज़ मैं डिटेल्स में बताऊंगा कब डबल ई का ही प्रयोग करना है, कब आई का प्रयोग करना है, और इसका मात्रा ऐसा होता है। और छोटा ऊ का मात्रा ऐसा है, छोटा ऊ का क्या होता है यू होता है, जिसे हम यहाँ पर इसका मात्रा ऐसा होता है। और बड़ा ऊ में कभी कभी हम डबल ओ का उपयोग करते हैं, कभी कभी यू का प्रयोग करते हैं। ये सब कब लगाना है वो जब आएगा तब मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। ए, ए को हम इंग्लिश में कहते हैं ए, इसका मात्रा ऐसा होता है। ए, ए का मात्रा होता है ए आई, जिसे हम ऐसा मात्रा लिखते हैं। ओ, ओ का मात्रा होता है ओ, औ को हम इंग्लिश में लिखते हैं ए यू या तो ओ यू, इसका मात्रा ऐसा होता है। अन, अन की बुंदी का हम यहाँ पर मात्रा कैसे लिखते हैं ए एन या तो ए एम, इसका मात्रा ऐसा होता है। आहा, आहा की क्या स्पेलिंग लिखते हैं हम ए एच, इसका मात्रा ऐसा होता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही है। तो चलिए अब सीखते हैं वर्णमाला, वर्णमाला को हम इंग्लिश और हिंदी में कैसे लिखेंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है वर्णमाला को। तो देखो का स्पेलिंग क्या होता है के, खा का स्पेलिंग क्या होता है के एच, गा का स्पेलिंग क्या होता है जी, घा का स्पेलिंग क्या होता है जी एच, डा का स्पेलिंग क्या होता है एन जी, और चा का स्पेलिंग होता है सी एच,
छा का स्पेलिंग होता है सी डबल एच, जा का स्पेलिंग होता है जे, झा का स्पेलिंग होता है जे एच, और इया का स्पेलिंग होता है आ वाई एन, और यहाँ पर टा की स्पेलिंग होती है टी, ठा की स्पेलिंग होती है टी एच, डा की स्पेलिंग होती है डा डी, और ढा की स्पेलिंग होती है डी एच, अणा का होता है एन, ता का होता है टी, था का होता है टी एच, डा की स्पेलिंग होती है डी, ढा की स्पेलिंग होती है डी एच, एन की स्पेलिंग होती है न, और पा की स्पेलिंग होती है पी, फा की स्पेलिंग होती है पी एच या तो एफ, बा की स्पेलिंग होती है बी, भा की स्पेलिंग होती है बी एच, माँ की स्पेलिंग होती है एम, वाई या का स्पेलिंग होता है वाई, रा का स्पेलिंग होता है आर, ला का स्पेलिंग होता है एल, वा का स्पेलिंग होता है डब्लू या तो वी, सा का स्पेलिंग होता है एस एच, फिर सा का स्पेलिंग होता है एस एस, फिर सा का होता है एस, और हा का होता है हा एच, छत्र का होता है के एस एच या तो एक्स का होता है, त्रा का होता है टी आर, ज्ञा का होता है जी वाई। बड़ा इस चीज़ को अगर आपको इंग्लिश सीखना है ना, इंग्लिश पढ़ना अगर पावरफुल करना है ना, तो सबसे पहले आपको मात्राएं और वर्णमाला को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा, और जितना अच्छा से याद कर लोगे ना उतना अच्छा आपका इंग्लिश हो जाएगा। अगर इंग्लिश को आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको वर्णमाला अच्छे से तैयार करना होगा, मात्राएं अच्छे से पढ़नी होंगी, वर्णमाला को अच्छे से रटना होगा। और बड़ा ये रटने वाली चीज़ नहीं है, इसको एक बार दो बार आप अच्छे से मन लगा के पढ़ो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करना दोस्तों, ठीक है। चलिए।